एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं स्वयं के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपने जीवन को समाप्त कर लेने के भी विचार आते हैं। आप इतने ज्ञानी हैं, इतनी साधनाएं करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिस पर चलकर मैं अपने बुरे हालातों से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। दो वक्त के खाने का इंतजाम करना भी मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब आप ही बताइए कि इतने कठिन समय में मैं आखिर जिंदा रहूं भी तो किस उम्मीद में रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? आपसे विनती है कि कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और ज्ञानी नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी उन्हें समझ भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक बौद्ध मठ है और उस मठ के पास चींटियों का एक घर है जहां पर लाखों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मठ की जमीन को बहुत खराब कर देती हैं, आसपास के मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को खत्म कर देती हैं, जिस वजह से वहां आसपास कोई भी पेड़ या घास पनप नहीं पाते हैं। तुम पहले मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम अगले 7 दिनों तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसे तोड़ दो। जब भी तुम्हें मठ के आसपास चींटियों का कोई घर दिखे तो उसे उसी समय तहस नहस कर दो। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने के दौरान कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। बौद्ध भिक्षु की इन बातों को समझने का प्रयास करते हुए वह आदमी वहां से चला गया। शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बौद्ध भिक्षु उससे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो मन ही मन सोचता जा रहा था कि बौद्ध भिक्षु तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उनका नुकसान करवा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा तुच्छ कार्य करेगा? लेकिन फिर भी वह बौद्ध भिक्षु की बातों को मानते हुए अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां अपना भोजन जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां एक कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में इकट्ठा करती जा रही हैं। यह देखकर पहले तो उस व्यक्ति का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतना कड़ा परिश्रम करके अपने लिए घर में भोजन इकट्ठा कर रही हैं और अगर मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने बौद्ध भिक्षु की बातों को याद करते हुए चींटियों के घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया, वो जान बचाकर इधर उधर भागने लगी। अभी तक जो एक कतार से चल रही थी वो बिखर गई और इधर उधर भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाकर छुप चुकी थी। ये करने के बाद वो व्यक्ति बड़े दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन अशांत था, दुखी था और पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने रात में अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर बर्बाद हो चुका है, अब वहां वापस जाने से क्या फायदा होगा। महात्मा जी ने मुझे चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए कहा था, जो कि मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अगले दिन वापस पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया और सुबह होते ही वह उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचते ही वह उसी जगह पर जाता है जहां एक दिन पहले उसने चींटियों के घर को बर्बाद किया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने के काम में लगी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं, कल ही इनका घर इसी जगह पर बर्बाद किया गया था और उन्होंने उसी जगह पर फिर अपना नया घर बना लिया। यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बातों को याद करते हुए उसने दोबारा उन चींटियों के घर को तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों के झुंड में हाहाकार मच गया और वो सभी जान बचाकर इधर उधर भागने लगी। देखते ही देखते उनका घर फिर से बर्बाद हो चुका था और वह व्यक्ति थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छे से इनके घर को तबाह कर दिया है, अब तो ये चींटियां यहाँ अपना घर बना ही नहीं पाएंगी, इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां उस जगह अपना घर ना बना सकें। और इस तरह अपना कार्य पूरा करके वह व्यक्ति वापस अपने घर आ गया। आज रात बिस्तर में लेटे लेटे वह व्यक्ति फिर से यही सोच रहा था कि क्या महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर बर्बाद करवाना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? और क्या होगा अगर वो महात्मा कोई सिद्ध पुरुष ही ना हो, कहीं वो मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि पहले मैं अपने काम को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे।
और वो कोई सिद्ध पुरुष है भी या नहीं, और यही सोचकर वो व्यक्ति रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह व्यक्ति फिर उसी पहाड़ी की तरफ चला जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर जाता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तोड़कर उस पर ठंडा पानी डाल दिया था, और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था, सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। तो उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या मतलब, क्योंकि चींटियां तो अब इस स्थान को छोड़कर जा चुकी हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने मुझे 7 दिनों तक रोज आने के लिए कहा था, और आज तो बस 3रा ही दिन है, तो बाकी के 4 दिनों तक यहाँ आने से क्या फायदा होगा। यही सोचकर उसने निर्णय लिया कि यहाँ से वह सीधा उन्हीं बौद्ध भिक्षु के पास जाएगा और वहां पहुंचकर उन्हें सारी कहानी बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उन बौद्ध भिक्षु की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि उस घर को उन्हीं चींटियों ने ही बनाया था, और अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उस व्यक्ति की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां एक घर टूटने के बाद मठ के आसपास ही दूसरा घर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिनों तक लगातार आने के लिए कहा था। और यह सोचकर वह उन चींटियों का नया घर तोड़ने पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने काम में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने नए घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था वहां भी अनाज के कण बचे हुए थे, तो वह चींटियां वहां से भी अनाज के कण इकट्ठा करके अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ ये सब देखकर उस व्यक्ति का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी समय का मारा हुआ था, इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव जन्म ले रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी, वह चाहता था कि वह उनकी सहायता करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उन बौद्ध भिक्षुओं की बातों को याद करते हुए उसने फिर से उनके घर को तोड़ने का निश्चय किया, और उसने इस बार बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए बड़ी ही सावधानी से उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। समय थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त बौद्ध भिक्षु ने पहले ही रख दी थी, इसीलिए वह बड़ी ही सावधानी से चींटियों के घरों को तबाह कर रहा था, और आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया। उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से घर की तरफ चल पड़ा। इस बार वो पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका दूसरा नया घर भी तोड़ दिया था। वह चींटियों को कहीं भी बसने ही नहीं दे रहा था, और अब वो अपने आप को शैतान और दानव समझने लगा था। आत्मग्लानि भरे विचारों में डूबा हुआ वह बड़े ही दुखी मन से घर वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा राक्षस हूँ, पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को बसने के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ भला मेरे बारे में क्या सोचती होंगी कि वो कितना बड़ा दानव होगा जो हमारा घर तोड़ रहा है। लेकिन बौद्ध भिक्षु की बातों को याद करके उसने अगले दिन फिर उसी पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया, और सुबह होते ही वह उस पहाड़ी पर पहुंच गया। वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गया कि चींटियों ने फिर से एक नई जगह पर अपना घर बना लिया है। वो तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ कार्य कर रही थी, और उन्होंने सिर्फ एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था, और अब वो फिर से अपने लिए अनाज और खाना इकट्ठा करने में लगी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं, मैं इन्हें बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बार बार यहीं पर ही अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें कभी भी यहाँ बसने नहीं दूंगा? ये चींटी है, आकार में इतनी छोटी है, लेकिन ये फिर भी मुझसे हार नहीं मान रही, बड़े आश्चर्य की बात है। और इस बार उसने क्रोध में आकर उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते समय कुछ चींटियां वहीं पर मर गई, उसके पैरों तले कुचल दी गई। घर को बर्बाद करने के बाद जब वह अपने अहंकार और गुस्से से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने चींटियों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। यह देख उसका मन आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गया, और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। रात में सोते समय उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से कुछ आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति करुणा का भाव था, दया का भाव था, आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही दया भाव के साथ उन चींटियों को अपने घर से लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिन पूरा होने तक वो व्यक्ति ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह उस पहाड़ी पर जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता।
सात दिन पूरे होने के बाद वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तोड़ा भी, एक बार नहीं चार बार मैंने उनका घर तबाह किया, लेकिन उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं जानता हूँ कि मैंने आपका कार्य पूरा नहीं किया और इस वजह से आप मुझे वो तरीका भी नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता था, लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो किया एकदम सही किया। इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। उस व्यक्ति की ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठहरो, कहाँ जा रहे हो, जलपान तो करते जाओ। और यह कहकर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के लिए पानी और थोड़ा खाने के लिए लेकर आते हैं। जलपान कराने के बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ, आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी थी और तुम उनके सामने इतने विशालकाय थे, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, कहाँ है तुम्हारा बाहुबल? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो क्रोध में आकर मैंने उन चींटियों को भी चोट पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको चोट पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि आखिर मैं इन बेजुबानों को क्यों नुकसान पहुंचा रहा हूं, क्यों इतनी क्षति पहुंचा रहा हूं। और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी मदद करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो सीखने की बात है, एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें उन चींटियों से क्या सीखने को मिला, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनकर उस व्यक्ति ने पूरी घटना बौद्ध भिक्षु को सुना दी। पूरी घटना को ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहली सीख जो तुम उन चींटियों से ले सकते थे वो ये है कि कितनी ही बार तुमने उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनके घर तबाह हो जाएं, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें उस जगह पर दोबारा नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दोबारा सफलता मिलने पर ही टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर ही उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर ही नहीं सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। इसके विपरीत कुछ लोग एक दो बार हताश होने के बाद ही अपना जीवन खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करते रहने का नाम है। जीवन के पश्चात मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के पश्चात तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे, तो उससे पहले अपना कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन नन्ही चींटियों से सीख चुके हो। वो चींटियां देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना मजबूत है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पित है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें लगने लगता है कि यह बुरा समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ एक नकारात्मक विचार है, और यही विचार हमारे मन को दुखी रखने लगता है और इसीलिए फिर हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी, क्षति पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? यदि हम बार बार उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वो भी एक दिन हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएगी, दयावान हो जाएगी, और वो हमें वो सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने स्वयं देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम ही उन चींटियों पर दयावान हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक न एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए ये दो सीख हमेशा याद रखना, पहली कि जीवन कर्मशीलता का नाम है, और दूसरी कि एक न एक दिन
प्रकृति तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर देगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।